तो लास्ट के कुछ वीडियोस में लोगों ने कमेंट मेंटर्स दिखाया था 3D इंडस्ट्री और गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं जापान में यही मेरा वर्क प्रोफाइल है। तो पहले तो मैंने सोचा कि कोई वीडियो सर्च कर लेता हूँ और उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि एज और क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती हैं, आप इंडस्ट्री में ड्राइंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, और इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है, डिग्री कोर्स बेटर है कि नहीं, और जापान में जब अगर इस प्रोफाइल के लिए आओ तो कौन सा JLPT नेसेसरी होता है, और भी इस तरह के कई क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा उस वीडियो में इसको आंसर कर देता हूँ। तो ये वीडियो शायद कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो जाए, तो अगर जिसको 3D इंडस्ट्री में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो उसके लिए ठीक है, और बाकी नॉर्मल वीडियो तो आती रहेंगी इस चैनल पे। और अच्छा, कई लोगों ने मुझे शायद इंस्टाग्राम पे मैसेज किया होगा, कुछ मैंने चेक किया था 100-150 थे, और वो रैंडम क्वेश्चंस थे। वैसे मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ, और तो अगर आप उस पर मुझे मैसेज कर रहे हो और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो वही मुझे बताना था कि मैं ऐसे यूज़ करता नहीं इंस्टाग्राम, बहुत टाइम ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि 3D आर्टिस्ट होता क्या है। तो अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो जो भी 3D आर्ट क्रिएट करेगा और या फिर उसे क्रिएट करने में हेल्प करेगा, वो 3D आर्टिस्ट कहलाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंडर में भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, और हर कंपनी के हिसाब से वो टीम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब जैसे 3D मॉडलिंग हो गया, VFX आर्टिस्ट हो गए, हमारे आर्किटेक्चर आर्टिस्ट हो गए, या प्रोडक्ट मॉडलर्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे कैटेगरीज हो गए, और 3D जर्नलिस्ट हो गया। 3D जर्नलिस्ट में बोलते हैं कि जैसे जो हर तरह का काम कर सके, सर्वगुण संपन्न, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है ना, जो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कर लेता है, और क्रिकेट में एक बंदा होता है जो सिर्फ बैटिंग ही करता है अच्छा। तो उस तरह से अलग अलग डिवीजन बनी हुई हैं 3D इंडस्ट्री में। तो आप डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में जाते हो, तो आपका रोल और आपका सेक्टर चेंज होता रहता है। तो इनमें से जो मेरा वर्क प्रोफाइल है वो है कैरेक्टर आर्टिस्ट का, और मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल अलग है, और अगर आप कहीं और कैरेक्टर आर्टिस्ट से बात करोगे शायद उसका रोल अलग निकले। जैसे कई कंपनीज में मॉडलिंग टेक्सचरिंग होता है कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम, लेकिन पर्टिकुलर जहाँ मैं कर रहा हूँ मुझे मॉडलिंग टेक्सचरिंग रिगिंग और स्कैनिंग और क्लोज सिमुलेशन और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मटेरियल्स वगैरह। तो डिपेंड करता है भाई कि कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो आपका वर्क प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। बाकी मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर का भी है एज अ फ्रीलांसर, और प्रोडक्ट मॉडलिंग मैंने एक कंपनी में जॉब करी है, मैंने एज अ टीचर भी जॉब करी है कुछ 5-6 महीने के लिए, और एक मैंने मेडिकल प्रोजेक्ट भी कर रखा है। एक कंपनी में काम था, उसमें मेरे को लाइव हार्ट सर्जरी देखनी थी, तो मैं प्रॉपर सर्जरी रूम में गया था, मैंने हार्ट सर्जरी देखी थी जिंदा बंदे की, और उसको फिल्म किया था, फिर उसको ऑफिस में लाके माया में सारा क्रिएट करना था, और फिर उस डॉक्टर को फुटेज देनी थी, और उसको आगे जाके अपने स्टूडेंट्स को देनी थी कि दिखाने के लिए कि किस तरह से वो कुछ था कि वॉल्व कैसे रिप्लेस होता है, शायद उसकी सर्जरी थी। तो इस तरह का काम किया हुआ है। तो ये सारा जो काम होता है सारा 3D आर्टिस्ट के अंडर में आता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि 3D आर्टिस्ट तो बन गए, अब हमें जॉब किन किन सेक्टर्स में मिलती है, मतलब इसका स्कोप क्या है। दो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है जहां पे 3D आर्टिस्ट यूज होते हैं वो है मूवी इंडस्ट्री और गेमिंग इंडस्ट्री। और भी कई इंडस्ट्री हैं, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, मेडिकल हो गया, AR VR, 3D प्रिंटिंग, और भी बहुत सारे हैं, ये सारे पढ़ सकते हो आप लोग। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, वो था एज और क्वालिफिकेशन का, कि इसमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए होती है, मैं तो 12th पास हूँ या फिर तो 12th पास हूँ उसके बाद मैं कोर्स कर सकता हूँ कि नहीं, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो डिग्री का इस फील्ड में लेना देना कोई है ही नहीं। अगर आप आर्ट्स की डिग्री है तो वो एक प्लस पॉइंट है काफ़ी अच्छा कि आपके पास आर्ट्स की डिग्री है, लेकिन एंड ऑफ द डे सिर्फ आपका काम देखा जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो देखा जाएगा कि आप किस हद तक आर्ट बना रहे हो। मैं बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को जानता हूँ, उन पर कोई आर्ट्स की डिग्री नहीं है, लेकिन सही में काफ़ी अच्छे स्किल्स हैं उनके। तो सिर्फ स्किल्स के दम पे जॉब मिलती है आपको, या आपको कोई भी फ्रीलांस उठाओगे सिर्फ स्किल्स के दम पे मिलेंगे, कोई आपकी डिग्री नहीं पूछा जाएगा। इनफैक्ट जब मैं जापान आया था तो मैं सिर्फ 12th पास था, और मैंने कोई डिग्री कोर्स नहीं किया था, सीधा मैं डिप्लोमा कोर्स किया था, उसका भी आगे बताता हूँ इंस्टीट्यूट वगैरह का। लेकिन हाँ, डिग्री का कोर्स कोई नहीं पूछता है। डिग्री आपकी मैं कह सकता हूँ तब मायने रखती है अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो और वहाँ पर वीज़ा प्रोसेस होता है कि आप PR अप्लाई करते हो, उस चीज़ पे अगर आपको डिग्री के कुछ पॉइंट मिलते हैं, ऐसे आपके डिग्री है तो आपको 5 पॉइंट मिल गए, वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर आपको इस इंडस्ट्री में घुसना है तो डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मेरे से किसी ने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट मांगा, ना 12th का नंबर पूछे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्किल्स देखते हैं एंड ऑफ द डे। और अब आते हैं एज के क्वेश्चन पे, कि बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं 10th में हूँ, मैं 12th में हूँ, क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। तो उसका सीधा सा आंसर है कि अगर टाइम है तो करके देख लो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ना हैवी हैं, मतलब अभी भी और हर साल अपडेट आते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर ऑप्शन बढ़ते ही रहते हैं, और इन सब स्किल्स को गैदर करने में ना टाइम लगता है। तो अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो और आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले फीस तो आपके रिफंड करने से रहे।
तो मैं तो बोलूँगा सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि इंस्टीट्यूट ना जाके एक बार खुद से ट्राई करो। सॉफ्टवेयर फ्री हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री हैं, मैं उनका लिंक एंड में दे दूंगा। तो और नॉर्मल पीसी पे चली जाते हैं सॉफ्टवेयर्स, इतना हैवी जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को राइजन का बहुत हाई प्रोसेसर लेना है या मेरे को इंटेल का कोई i10 लेना है। नॉर्मल i7 i5 पे भी सॉफ्टवेयर रन कर जाते हैं। तो उनको खुद से सीखना शुरू करो, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं सॉफ्टवेयर सीखने में टाइम निकाल पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर आपने एक बार इंस्टीट्यूट में पैसे दे दिए फिर तो आपके पैसे गए। तो खुद से टाइम निकालो, जैसे हॉबी है सबकी गिटार बजाना, स्विमिंग वगैरह, तो एक हॉबी ये होगी कि आपको 3D स्किल्स डेवलप करना है, तो एक बार ये करके देखो। और जब तक आप 12th तक पहुँचोगे तब तक आप पे इनफ नॉलेज हो जाएगी, और उसके बाद फिर कोई स्पेशल कोर्स कर लो या फिर क्या पता इस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, आप खुद ही नॉर्मल पोर्टफोलियो बनाओ और प्लेसमेंट हो जाए आपकी। वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम निकाल पा रहे हो, तो इससे डिपेंड नहीं करता कि मैं कोर्स ज्वाइन करूँ या ना करूँ 10th और 12th के बाद। और एक क्वेश्चन आया था कि मुझे इस फील्ड में आना है लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, या ड्राइंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। पर्टिकुलरली तो मैं अपना बोलूँ तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, मतलब मेरे ऐसे कुछ 70-72 ऐसे परसेंटेज आए थे हाई स्कूल इंटर दोनों में, तो और मेरी ड्राइंग ठीक थी तो मैं इस फील्ड में आया था। ड्राइंग आती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपका बेसिक बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको फॉर्म्स जल्दी समझ में आएंगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग आनी ही चाहिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को जानता हूँ जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से आर्ट फाइनल प्रोडक्ट है और आप उसको 3D से बनाते हो या 2D से बनाते हो वो आपका मीडियम है। बस आप अगर आर्ट बना पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करता आप 2D से बनाओ 3D से बनाओ। क्योंकि जैसे हम रोड पे देखते हैं ना, मूर्तिकार होते हैं, और अगर आप उनको मेहंदी लगाने को बोलोगे तो मेहंदी नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर आप मेहंदी वाले को बोलोगे कि आप मूर्ति बना दोगे क्या, तो वो मूर्ति नहीं बना पाएंगे। तो दोनों ही आर्ट हैं और दोनों ही अलग अलग तरह के फॉर्म हैं, बस दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ड्राइंग आती है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हेल्प ही करेगी। लेकिन अगर ड्राइंग नहीं आती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है, इस फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हो या VFX आर्टिस्ट हो, अब कंपोजिटिंग वगैरह कर रहा है कोई बंदा, तो अगर उसको ड्राइंग नहीं आती है तो भी क्या दिक्कत है, उसको कलर्स और उसको ऑब्जर्वेशन उसका बहुत अच्छा है कि किस चीज़ को कितना रियलिस्टिक बनाना है, उसको वो चीज़ समझ में आती है। तो एंड ऑफ द डे वही डिपेंड करता है आपको, कोई ड्राइंग ज़रूरी नहीं है इस चीज़ के लिए। एक क्वेश्चन और सबसे आया था कि इंस्टीट्यूट कौन से जाएं और इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा डिग्री कौन सा कोर्स करें। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इंस्टीट्यूट गया था और मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था, मैंने डिग्री नहीं की थी। और फ्रेंकली बोलूं तो सारे इंस्टीट्यूट एक जैसे हैं, मतलब ऐसा, मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फिर वही लोग वहां जाके एनरोल करने लगेंगे उसी ब्रांच में। लेकिन दिक्कत यह है कि सारे इंस्टीट्यूट एक जैसे हैं, हो सकता है इक्के दुक्के फैकल्टीज आपको बहुत अच्छे मिल जाएं, और वो भी ऐसा नहीं होता कि हर इंस्टीट्यूट में आपको मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और कंपोजिटिंग सबकी फैकल्टी एकदम टॉप नॉच मिल जाएं। किसी इंस्टीट्यूट में मॉडलिंग का फैकल्टी बहुत अच्छा मिल जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट में कंपोजिटिंग का फैकल्टी बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि सर्वगुण संपन्न, तो कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि आप अंदर घुसोगे और वहाँ पे लियोनार्डो द विंची बन के निकलोगे। हाँ, इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करेंगे टूल्स सिखाने में, जैसे आपको माया में एक्सट्रूड सिखा देंगे, अब उसको एक्सट्रूड करते करते आप ट्रांसफॉर्मर बनाते हो या फिर एक डब्बे में ही सेटल हो जाते हो। तो इंस्टीट्यूट का नाम लेने से फ़ायदा है नहीं, और कौन सा इंस्टीट्यूट जाना चाहिए ना जाना चाहिए इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है बताने से। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करना इंस्टीट्यूट में, क्योंकि आपको वो डिग्री कोर्सेज बेचेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े कोर्सेज बेचेंगे, तो उसका फ़ायदा है नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी कंपनी आपसे डिग्री नहीं मांगेगी, क्योंकि मैंने भी इंस्टीट्यूट में 160,000 भरी थी और वो कोर्स था कोई 1.5 साल या 2 साल का, और मैं 1 साल मैंने कोर्स किया था और फिर मैं गया ही नहीं वहाँ पे। मतलब फिर जाता था ऐसे महीने में एक बार जाता था, और उसमें मैंने सिर्फ कंपोजिटिंग में नहीं सीखी थी, मैं माया के रिगिंग तक और एनिमेशन तक गया था, और उसके बाद कंपोजिटिंग और वो बाकी जो कलर करेक्शन के सॉफ्टवेयर थे वो सब तो मैंने सीखे भी नहीं थे, तो मैं आधे भी आ गया था। एक इंस्टीट्यूट की और टिप दूंगा कि कभी पूरी फीस मत भरना इंस्टीट्यूट की। होता क्या है ना कि आपको शुरुआत से जैसे फोटोशॉप सिखाया जाएगा, माया सिखाया जाएगा, उसके बाद कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कलर करेक्शन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कहीं कहीं पे साउंड अगर सिखा रहे हैं, तो आपको शुरू से सारे स्किल सिखाए जाते हैं। तो अगर मैं पर्सनली अपना बोलूँ तो जैसे मैंने फोटोशॉप हुआ मेरा, प्रीमियर हुआ, उसके बाद माया के मॉडलिंग में आया, तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था कि शायद मैं मॉडलर ही बनूंगा, मतलब मॉडलिंग मुझे थोड़ी बहुत समझ में आने लगी थी। उसके बाद टेक्सचरिंग हुई थी, रिगिंग हुई थी, और एनिमेशन तक मैं थोड़ा घिस घिस के पहुंचा था, और कंपोजिटिंग वगैरह की तो क्लास मैंने ली भी नहीं थी, लेकिन मैं फ़ीस पूरी भर चुका था। तो हुआ क्या था कि 160,000 तो भर दिया मैंने, लेकिन आखिरी का 60,000 तो मैंने कुछ खाया पिया कुछ नहीं, बल्लो 60,000 ऐसे ही दे दिए।
तो सबसे पहले बोलूँगा कि फ़ीस पूरी मत भरना, कोशिश करना उसको इंस्टॉलमेंट में भरना, ताकि आपका 0% इंटरेस्ट लगे, आप कितनी इंस्टॉलमेंट भर सकते हो। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आप मिड वे में ही अपनी स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो, उसी में आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बन जाता है कि आपको बाकी चीज़ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़े। और बाकी चीज़ें तो आप अगर सीखने का मन भी है, जैसे अभी कभी कभी मैं आफ्टर इफेक्ट में हाथ पाँव मार लेता हूँ, तो वो मैं ऐसी यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख लिया, उससे सीख लिया, तो उसके लिए क्यों 60,000 आपको पे करना है। तो फीस मैं बोलूँगा कि इंस्टॉलमेंट में भरो, पूरी मत भरना। अब नेक्स्ट आते हैं वर्किंग अब्रॉड और फ्रीलांसर। तो मेरे जितने भी दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ 3D इंडस्ट्री शुरू करी थी, वो लगभग 80% एज अ फ्रीलांसर ही जॉब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं उनको फ्रीलांस की किसी वेबसाइट पर जाके उनको जॉब मिलती है या उनको ऐसा काम उठाना पड़ता है। उनके आर्ट स्टेशन पे आप अगर काम डालोगे तो आपको मैसेज आएंगे, लिंक्डइन पे डालोगे तो लिंक्डइन पे मैसेज आते हैं कि हम एज अ फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं। और कई लोग पूछ रहे थे कि फ्रीलांसिंग के बारे में वीडियो बनाओ, तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि आप किसी वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करो और फिर वहाँ से आपको फ्रीलांस आएगा, घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना पोर्टफोलियो डालते हैं, कंपनी का या आउटसोर्सिंग कंपनी का मैसेज आता है या किसी क्लाइंट का मैसेज आता है कि आप मेरे लिए फ्रीलांस करोगे, तो आप उनको घंटे के हिसाब से पैसे बोल दो या एसेट के हिसाब से पैसे बोल दो, और फिर उसके बाद ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, वो आपको कहीं और रेफ़र करेगा। तो रेफ़र के हिसाब से ज़्यादा फ्रीलांस मिलता है, ना कि किसी आप वेबसाइट पे आकर रजिस्टर करो। और अब्रॉड जाने की बात हुई, तो अगर आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हो तो मेन आपका डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा वो है स्किल्स के ऊपर। क्योंकि बाहर की कंट्री भी इंडिया से आर्टिस्ट तभी बुलाएगी जब उनको खुद की कंट्री में वो आर्टिस्ट से मिल रहे होंगे। तो कई लोग ने जापान का बोला था कि जापान में 3D इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए यहाँ पे जापानीज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैं 3D का हटा भी दूं तो 90% कंपनीज का मैं बोलूँगा कि उनको जापानीज आनी ही चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, प्रोफाइल कौन सी है। 3D का अगर मैं पर्टिकुलर बोलूँ तो JLPT N4 N3 तक भी चल जाता है। और बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं कंपनीज को जानता हूँ जो इंग्लिश एम्प्लॉयज़ भी हायर करती हैं, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम है। तो अगर आपको अगर बिगर रेशियो पर टारगेट करना है तो आपको जापानीज आनी ही चाहिए। अब धीरे धीरे कंपनीज खुल रही हैं, वो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं, लेकिन वो तभी हायर करते हैं, जैसे मैं एक दो आर्टिस्ट हैं टोक्यो में जिनको जानता हूँ, तो उनको भी उन्होंने तब हायर किया है जब वो किसी प्रीवियस उनका जो ट्रिपल ए गेम टाइटल था उस पर बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। जैसे एक बंदा था वो गोरिल्ला गेम्स में, उसने एज अ रिगिंग आर्टिस्ट था, तो उसने वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रखा था, तो उसको उन्होंने बिना लैंग्वेज उसके उन्होंने डायरेक्ट अपनी कंट्री में बुला लिया वीज़ा पे। तो अगर आपको जापान आना है 3D आर्टिस्ट के उस पर, तो पोर्टफोलियो तो है ही, लेकिन उसके बाद आपको जापानीज N4 या N3 तक तो आना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म करियर है कि नहीं इस इंडस्ट्री में, तो इसके तो मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जैसे मैंने 10 साल पहले जॉब करी थी, उस टाइम पे सिर्फ गेमिंग था, मूवी थी और एडवर्टीजमेंट, इन्हीं तीन इंडस्ट्री का नाम था। अब धीरे धीरे 10 साल में इतनी सारी इंडस्ट्री और जुड़ गई है ना, जैसे अब इंस्टीट्यूट के अलावा भी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, और AR VR ये तो चल ही रहा है, और 3D प्रिंटिंग कितना बूम कर गया, तो मे बी कहीं ना कहीं आगे यूज़ होता ही रहेगा 3D एनवायरनमेंट। तो ऐसा वो है नहीं कि बहुत शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो चलता ही रहेगा। तो मैं ऐसा प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस इंडस्ट्री में आगे भी बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होती रहेंगी जैसे 10 साल में हुई हैं। तो और एक चीज़ है, जैसे अभी 3D इंडस्ट्री को लोग ऐसे ले रहे हैं कि 3D इंडस्ट्री का कोर्स कर लो आगे जॉब मिल जाएगी, तो इसको एज अ कोर्स ना लेके एज अ हॉबी भी ले सकते हो आप लोग। अब जैसे ड्राइंग लोगों की हॉबी होती है ना, कि मैं जैसे वीकेंड पे ड्राइंग कर ली, पेंटिंग कर ली, तो ऐसा हॉबी इसको डेवलप कर लो एज अ 3D आर्टिस्ट को। अब जैसे मेकिंग जोक ऑफ है यूट्यूब चैनल, उसके 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब अगर और उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि अगर आप एक महीना 3D करोगे तो वो आप अचीव कर लोगे, लेकिन उसने उसे क्या अचीव किया वो बड़ी बात है ना। कंप्यूटर पर चले जाते हैं सारे सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर भी इनफैक्ट फ्री हैं पूरे, आपको पे नहीं करना एडोबी की तरह। तो वो सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करो, कुछ भी क्रिएट करो, ड्राइंग अगर नहीं भी आती है तो क्रिएटिविटी के लिए ये मीडियम यूज़ कर लो। तो इस इंडस्ट्री में ड्रॉबैक्स भी हैं, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री का मुझे पता है बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, जब गेम रिलीज़ होने वाला होता है ना तो बग चेकिंग होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो लॉन्ग वर्क्स के लिए तो रेडी हो जाओ। और अपडेट होना, हर सॉफ्टवेयर हर साल रिलीज़ होता है और हर साल उसमें 50 टूल ऐड होते हैं, और आपको 50 टूल रिफ्रेश करते रहो, आप पुराने भूलते रहोगे, तो वही है प्रैक्टिस जितनी आप करोगे ना वो आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये स्किल आ गया अब आप फुल एंड सिक्योर हो गए कि अब मैंने माया सीख लिया है और आगे मैं 10 साल मेरी जॉब सिक्योर हो गई, ऐसा नहीं है। 10 साल पुराने माया और अभी के माया में ना ज़मीन आसमान का अंतर है। तो नई चीज़ सीखने की ना एक वो होनी चाहिए कि
नया सॉफ्टवेयर आया है उसके सारे फीचर्स देखो और उसको सीखो, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको अपडेट होना है इंडस्ट्री के साथ, तो ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। तो बोलते बोलते तो मेरा मुंह सूख गया, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस और भी होंगे जो इस कमेंट में आएंगे, तो मैंने कोशिश करी जितना मैं आंसर दे सकूँ वो दे सकूँ। तो अगर बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होंगे मैं शायद उनको Q&A में लेके एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन हाँ जितने मेन मेन क्वेश्चंस थे वो उनका मैंने आंसर देने की कोशिश करी है। तो मैं कैसे 3D आर्टिस्ट बना, और कई लोगों ने पूछा था कि मेरे पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी या 10th में कितने परसेंटेज 12th में कितने परसेंटेज आते हैं वो सब क्या है, तो उसकी सोच रहा हूँ अलग ऐसे वीडियो बना दो हाउ आई बिकेम ए 3D आर्टिस्ट। बट लाइक इस वीडियो में जितना था वो मैंने बोल दिया है, बाकी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे वो आप नीचे डाल दीजिएगा, तो जो कॉमन टॉपिक्स होंगे उनको मैं आंसर कर दूंगा। बाय।